रीवा प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, जिला टास्क फोर्स ने भारी पुलिस बल के साथ छापामार कार्यवाही में चैन माउंटेन सहित 10 वाहन किए जब्त। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस कप्तान नवनीत भसीन के कुशल निर्देशन एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा स्पेशल ज्वाइंट टीम का गठन कर मध्यरात्रि में ग्राम नरोरा और बैजनाथ में अवैध उत्खनन की शिकायत पर छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें पत्थर का अवैध उत्खनन करते 3 पोकलेन मशीन, 3 कंप्रेसर और 4 डंपर पत्थर का उत्खनन कर परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किए गए। रात भर चली कार्यवाही में पूरे खदान क्षेत्र में टीम द्वारा जगह जगह दबिश दी गई। जिले में तहसील हुजूर के अंतर्गत ग्राम बैजनाथ मधेपुर नरोरा में सीमेंट कंपनी को लीज संचालित है, जिसमें कंपनी प्रबंधन द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा पत्थर निकाले के संबंध में शिकायत की जा रही थी। प्रशासन को लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए विगत टास्क फोर्स की मीटिंग में प्लानिंग की गई थी। कंपनी को स्वीकृत खदान एवं शिकायती क्षेत्र सत्ता जिले की सीमा से सटे होने के कारण अक्सर स्थानीय ग्रामीण सीमा विवाद का लाभ लेते थे, जहां संभागीय अधिकारियों की टास्क फोर्स गठित कर दबिश देकर उत्खनन में संलिप्त मशीनों पर धरपकड़ की कार्यवाही की गई। सभी वाहनों को जब्त कर कंपनी प्रबंधन को सुरक्षार्थ सौंपा गया। साथ ही कंपनी प्रबंधन को मजबूत बाड़ी और ड्रोन कैमरा से एरिया की सतत निगरानी के लिए निर्देश किया गया है। वाहन चालकों के बयान दर्ज कर नवीन खनिज नियमों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जैसा कि जानकारी में आप लोगों के बीच बीच में अभियान लगातार चलता रहता है, शासन स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब के द्वारा कल टीम बना के माइनिंग पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें काफ़ी पुलिस की संख्या भी थी, थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ के साथ साथ माइनिंग का भी स्टाफ था। इसमें रात्रि के 2 बजे के आसपास फोर्स रवाना होकर अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पुलिस ने माइनिंग ने ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान करीब 4 डंपर, 3 चैन माउंटिंग मशीन और 3 ट्रैक्टर, इस तरह से कुछ 10 वाहनों को जब्त किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें आरोपियों की संख्या करीब, गिरफ्तार आरोपियों की संख्या के बारे में अभी थाना प्रभारी और उससे चर्चा की जा रही है, टोटल कितने हैं और कितने आरोपी बनेंगे, इस संबंध में भी जानकारी ली जा रही है।